उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप ठीक ठाक ही रहें। अच्छा, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है कराची वर्सेस कोलकाता कंपैरिजन 2020। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, हमें इसी तरह के कंपैरिजंस की और भी काफ़ी वो आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, ईमेल भी आ रहे थे। तो असल में यार नया नया चैनल है, हमें वीडियोज़ की उनको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा जो है वो भी होता है। फिर दूसरा ये कि थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो या कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट हों। मतलब फ्रेंकली मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमारी वीडियोस पे रिएक्ट करने का, या अगर हम किसी भी हवाले से बात करें, इंडिया के हवाले से कोई भी बात करें, तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि आपकी आपके कंट्री की कोई फीलिंग्स हो या किसी कल्चर के कोई मतलब होते हैं ना, उनकी नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको हर्ट किया जाए। तो इस तरह की वीडियोस पे रिएक्ट करते हुए हम थोड़ा सा डर रहे थे कि यार एक उनका शहर है, एक हमारा शहर है। इसी तरह हमने ट्रेन की वीडियो पे भी रिएक्ट किया, तो उसमें भी हम थोड़ा सा डर रहे थे कि यार कुछ लोग होते हैं ना जो, अब मैं फ्रेंकली कहूँगा, तो जो गलम गलोच पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। जो चीज़ है किसी को आप हमारी वीडियोस देख भी सकते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे कंपैरिजन की वीडियो है वो देख भी सकते हैं, और उसमें हमने एक्सेप्ट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, उनको भी जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज देखते हैं कि किन चीजों को कंपेयर करने कराची और कोलकाता में। अच्छा, पहले कराची सनसेट बुलेवार्ड, ये अच्छे, ये अच्छे, ओ गोल्डन मॉल, सही कह रहा हूं। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूंगा, कराची की जो पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन से थोड़ी सी ऊपर है। ये थोड़ा सा या पुराना है इंफॉर्मेशन या गलत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, इस गवर्नमेंट मॉल के आसपास ही है हम लोग। जी बिल्कुल। ये 3D इमेज है, ये अभी कंप्लीट की है, और आगे तक ये इसके और चल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
वीडियो बनी है, हम उस पे बात कर सकते हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो
कितने क्या बोलें, कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? नहीं पसंद तो देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कराची बहुत बड़ा है या कलकत्ता बहुत बड़ा है, दोनों इंडियन सिटी हैं, बहुत अच्छी सिटी हैं, लेकिन ये कि नाइट क्लब नहीं, वीडियो के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो दिखाया गया है उसमें मैं जो समझता हूं वो कलकत्ता ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें नाइट शॉट्स भी हैं। लेकिन अब रात की खूबसूरती अलग होती है, दिन की अलग होती है, कराची को रात में नहीं दिखाया गया। हालांकि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, जैसे कौन सा सिटी है उसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, हमने कुछ दिन पहले रिएक्शन भी किया था, याद नहीं आ रहा अभी, बराबर मेरे साथ कलकत्ता ही है या कोई और सिटी है ऐसे ही। हमें तो देखा जाए, हमें ये सही और सही जो व्यू है ना, तो अगर देखा जाए तो हमें जो रात में ना कोलकाता बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुके, अब हम उसको बुरा, जो ऑनेस्ट व्यू है हम पहले भी देख चुके, अब हम उसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा पाकिस्तान चाहे कराची हो कोई मुल्क हो शहर हो, तो उससे आप कंपेयर करें तो जो चीज अच्छी है बाकी एक नेचुरल चीज होती है। मेरा मेरी बर्थ प्लेस है, कामरान की बर्थ प्लेस नहीं है, लेकिन कामरान जो है वो तकरीबन 15-20 सालों से कराची में है, तो हमारा तो क्या कहेंगे प्यार ही ये शहर है, मतलब ये खाली कराची है इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान से, मेरा जो है सीधी बात है पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा भी किसी और शहर में गुजारा नहीं है। इवन के अगर मैं अपने नेटिव टाउन में चला जाऊं जो यहां से तकरीबन 1000 या 1200 किलोमीटर दूर है, वहां भी अगर मैं जाता हूं 6 महीने या 1 साल बाद जाता हूं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, ऐसा ही होता है मेरा भी, ऐसे ही है बिल्कुल सही है। बड़ा सिटी है यार, मेट्रोपोलिटन सिटी है हमारा, तो जाहिर सी बात है अगर वो भी अच्छा नहीं होगा तो फिर बाकी तो क्या हो सकता है। बराबर देखा जाए कलकत्ता में नोट बहुत अच्छा है, बात है बिल्कुल है। मैं जो एक चीज आखिरी बोलना चाहूंगा वो ये कि हम ये चाह रहे हैं कि पर्सनली इंडिया के शहरों में से मुझे एक मुंबई शहर भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी वीडियो जो कि क्या कहते हैं उसको अपडेटेड हो और पुरानी ना हो, न्यू ना उस पे, वो हमें कोई सजेस्ट कीजिएगा जिसमें हम पाकिस्तान की किसी सिटी का वर्सेस मुंबई से जो है वो वीडियो देख सकें, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस का भी पता चले, वो नई चीज़ हो तो वो भी पता चले, तो हमें ऐसी वीडियो जरूर रेकमेंड कीजिएगा और एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। और मैं वैसे भी बताऊँ, मैं तो कलकत्ता को वैसे भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरा पसंदीदा जो खिलाड़ी है ना वो उधर ही का है, और दूसरी बात वहाँ का ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, ईडन गार्डन के नाम से जाना है, और मैं इस बहुत पहले हमने वीडियो बनाई है क्रिकेट के ऊपर, तो उसमें मैंने भाई से बोला था, मेरा तो एक ही भाई पसंद था, वो था सौरभ गांगुली, जिसको मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आइडियल होती हैं, तो वो एक आइडियल प्लेयर था, जब मैं देखता हूँ क्रिकेट यहाँ शुरू जब खेलते थे वो, तो मेरा तो आइडियल प्लेयर था उस टाइम का सचिन और गांगुली, बस इन दो के साथ मैं आइडियल प्लेयर कोई नहीं रहा, उसके बाद जब वो लोग गए तो महेंद्र सिंह धोनी आया, लेकिन मैं इस बातचीत में या इस बातचीत के मौजू में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ठीक है बस भाई लोग से वक्त हो गया एंडिंग का, तो आपसे इजाजत चाहेंगे, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, और अगर कुछ दो तीन और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना करें तो कोई मसला नहीं यार, आपका प्यार करना तो बहुत ही अच्छा होगा भाई साहब, ठीक है जी, तो आपसे हम इजाजत चाहेंगे अगली वीडियो तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक बाय बाय।